सर, क्या सीएम पर रहते हुए किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? डेफिनेटली कोई फर्स्ट, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। आपके सामने झारखंड के हुए हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन लालू जी हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी होना, अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस है, कोई अबाबती लॉ तो है नहीं। चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपके सामने इंदिरा जी हुई हैं, नरसिम्हा राव जी पर केस चले हैं, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं। क्या गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा? मॉरली देना चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर गिरफ्तार हो जाता है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। एक मैटर है तमिलनाडु का, किसी मिनिस्टर का, वो अभी लंबित पड़ा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मॉरली तौर पे देना चाहिए ये, और फिर खासकर केजरीवाल जी से तो ये लोग आशा करेंगे कि वो कानून की मर्यादा को रखते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, उनकी पार्टी का अपना डिसीशन होगा। क्या सीएम जेल से सरकार चला सकते हैं? संविधान इस बारे में क्या कहता है सर? मैंने जैसे कहा है कि उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब जेल से चलाए, कहीं से चलाए, ये उन पर निर्भर करता है। इस पे मैं किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे वहां तक? आपके सामने सत्येंद्र जैन मंत्री होते हुए जेल से फाइलें निपटा नहीं रहे थे, दस्तखत कर नहीं रहे थे, तो उस तरह ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि लालू जी ने रिज़ाइन किया था, अभी लेटेस्ट झारखंड के सीएम ने रिज़ाइन किया था। रिज़ाइन मेरा ख्याल है कि रिज़ाइन कर देंगे वो, चूँकि इतने मॉरलिस्ट है, एक ईमानदारी की राजनीति करने वो आए थे, और राजनीति में अगर उनका अपना स्टैंड है, ये अपने वक्तव्य पे वो टिकते हैं तो रिज़ाइन करेंगे वो।